नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का दड़का। दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम होता है, इसलिए मैं आज फटाफट कुछ न्यूज़, आपके कुछ कमेंट्स और कुछ टिप्स सारे एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए सीधा न्यूज़ पे आते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों अबाउट काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। अगर आप काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मतलब फेक प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट्स में इंडिया में, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर अभी तो नहीं है फिलहाल, बट हो सकती है, क्योंकि US में एक लॉ नया पास होने वाला है जहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस में सेल हो रहा है, अमेजोन या फिर कोई भी मार्केट प्लेसेस है, तो वो मार्केट प्लेस रिस्पॉन्सिबल होगी, नॉट द थर्ड पार्टी सेलर। अगर वो रूल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, कैट जो है हमारे इंडिया का, उन्होंने कहा है कि US में जो ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है बहुत अच्छा है और इंडिया में भी होना चाहिए। अगर वो इंडिया में हो जाता है, अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या कहीं पर भी, तो जो साइट सेल हो कर रही है, मतलब जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो साइट रिस्पॉन्सिबल होगी। इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स वहाँ पे सेल कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, पेटेंटेड कॉपी प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेटेंटेड मतलब क्या होता है, जैसे आप एप्पल के एयरपॉड्स बेच रहे हो, ठीक है, तो भले ही दूसरे नाम से बेच रहे हो, बट वो पेटेंट जो है वो कॉपी राइटेड है। अगर वो भी आप बेच रहे हो तो उसमें भी अगर किसी ने कॉपी, किसी ने केस फाइल किया, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे जो साइट्स हैं वहाँ पे इशू हो सकता है। तो अब रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो अगर आप कोई कॉपी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या फिर अनऑथराइज प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लब फैक्ट्री फिर से एक बार न्यूज़ में यहाँ पे, इस बार उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी बेच डाली उनके वेबसाइट पे। उनको पता ही नहीं था, तो एक सेलर ने प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन शेड्यूल एच टाइप, ठीक है, उनको बेच डाला। और कोई पटेल साहब हैं मुंबई के, उन्होंने रिपोर्ट किया इसको और आगे वो बात बढ़ी। और जो क्लब फैक्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम कड़े से कड़ा स्टेप लेंगे यहाँ पे, और जो सेलर था उसको हम बाट कर देंगे, और ऐसा कोई भी अगर सेलर होगा उसको भी हम बाट कर देंगे। मतलब आप अगर जाएँ तो उधर घुस सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी मिस्टेक करिए और उसके बाद सिर्फ आप बाट ही हो सकते हैं, कोई लीगल एक्शन होने का यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक गलत चीज़ है। जो भी मार्केट प्लेसेस हैं कहीं पर भी हो, उनको एक ऐसे प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि कोई भी चीज़ ऑनलाइन ना बिके, फेक हो या ऐसी कोई खतरनाक चीज़ हो, बिकॉज प्रिस्क्राइब मेडिसिन कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स आपको भी पता है कितना है। तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो 2-3 वेबसाइट्स है वहाँ से ही खरीदिए जो ऑथराइज्ड है और अप्रूव्ड है। दोस्तों अब ऑनलाइन खाना मंगवाना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है अगर आप जोमेटो और स्विगी से खाना मंगवा रहे हैं। वैसे तो देखिए खाना घटिया ही आता है वहाँ से, ज़्यादातर जगह से घटिया ही आता है, और जोमेटो और स्विगी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से नहीं लेता है। खाना ख़राब आए तो अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब हाँ कस्टमर सर्विस के हिसाब से वो आपको रिफंड विफंड दे देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पे अब डिलीवरी चार्जेस भी वो लोग बढ़ा रहे हैं। वैसे भी आपको पता होगा शायद कि जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वो होटल के या रेस्टोरेंट के, वो नॉर्मल रेट से 20-30% ज़्यादा रेट लगा के लिस्टिंग होती है स्विगी और जोमेटो में, तो वहाँ पे तो आप ऑलरेडी पैसे ज़्यादा ही दे रहे हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई इस इंडस्ट्री में है उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर वो खाना जो है अच्छा दे, खाने का जो प्रेजेंटेशन है, जो देने का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो, तो बिज़नेस जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में काफ़ी आगे तक जा सकता है। ऐसा एक आइडिया हमने शेयर किया था अपने दिल्ली मीटअप में भी और दिल्ली वर्कशॉप में भी, कि इस इंडस्ट्री में इमीडिएट बूस्ट कैसे ला सकते हैं, ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, बट या आइडियाज़ कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। पांचवा दोस्तों, यहाँ पे एक ऐप है योली, ठीक है, अब ये फंडेड ऐप है। अब योली ऐप क्या करता है, बेसिकली आपको कंपैरिजन देता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ, और आपको लोएस्ट प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का बेस्ड ऑन देयर एल्गोरिथम वो शो करता है वहाँ पे। तो अगर आपने ये ऐप देखा नहीं है योली ऐप, तो प्लीज़ एक बार डाउनलोड करके देखिए, पसंद ना आए तो उसको डिलीट कर दीजिएगा। मैंने आज सुबह ही इसको डाउनलोड किया और देखा कि हाँ कहीं कहीं पे वो कंपैरिजन जो है वो सही दिखाता है और प्राइसेस भी कहीं कहीं पे सही दिखा रहा है। वो आपको रीडायरेक्ट करेगा उनकी जो एक्चुअल साइट है वहाँ पे, बट पूरा कंपैरिजन नहीं, बट जैसे वो नॉर्मली दिखाता है आप ब्राउज करते हैं वैसे ही दिखाएगा। बट आप ट्राई करके देख सकते हैं, मैं कुछ ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी आज ही जस्ट डाउनलोड किया। अभी हम चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे जानना चाहते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ से, ह्यूस्टन से आशीष का, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, आई हैव सक्सेसफुल FBA बिजनेस इन US, आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड इन टू इंडिया, आई सी दैट यू सेल टॉयज, डू आई, अच्छा ये मैसेज कट गया यहाँ पे, उनका BIS के रिलेटेड था, डू आई गेट BIS और नॉट। सो BIS बेसिकली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर्स के पास, सबके पास BIS तो होता ही है, ओके, जस्ट
फॉर योर इन्फॉर्मेशन, BIS उनके पास होता है कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, बट प्रॉब्लम इज जो आप डील कर रहे हैं जिनके साथ वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते हैं, दे आर मीडिएटर्स और वो कभी भी BIS आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और इंसिस्ट करेंगे कि मुझे BIS चाहिए, तो भी एक आपको एक अमाउंट बताएगा कि इसके ऊपर का अगर आप वैल्यू परचेस करते हैं तो आपको हम BIS देंगे। मतलब आप समझ लीजिए 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का अगर आप सामान ले रहे हैं तो BIS आपको नहीं मिलेगा। मान के चलिए आधा कंटेनर है, 5,00,000, 10,00,000 का सामान है, तो आपको BIS वो खुशी खुशी दे देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई योर ट्रेडमार्क इज शोइंग ऑब्जेक्टेड और विदड्रॉ, काइंडली एक्सप्लेन दिस थ्रू एनी वीडियो बिकॉज इट वुड बी हेल्पफुल। देखिए, हमने जब पहली बार अप्लाई किया था होमी कार्ड का ट्रेडमार्क, तब उस वक्त ऑब्जेक्टेड स्टेटस में था। हमने लीगल फाइलिंग भी की, ठीक है, अपील भी किया, लेकिन वो ऑब्जेक्टेड ही है। उसके बाद हमारे जो दूसरे लॉयर, उन्होंने बोला कि आप एक नया ट्रेडमार्क अप्लाई करो, दूसरे ट्रेडमार्क अप्लाई करो उसी नाम से, उसको हम दूसरी तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने दो ट्रेडमार्क और अप्लाई किए उसके नाम से, तो अभी भी वो देखिए आप देख सकते हैं, होमी कार्ड सर्च कर सकते हैं, वो भी अभी केस जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। तो होम ई कार्ड जो है उसके पीछे कुछ लोग, एक वेबसाइट और है होम कार्ड करके, अब उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर वावल्स की वजह से प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता है किसी भी ब्रांड का या कंपनी का नाम, तो उसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन में आ जाता है और वो केस थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। अगर मैं ई कॉमटेक का तड़का की बात करूँ, तो उसमें जैसे ही मैंने उसको डाला था ETKT कॉमटेक का तड़का, वो अप्रूव हो गया था कुछ ही टाइम के अंदर, ठीक है। तो उसमें 3 क्लास है ऑलरेडी मेरे पास, तो ऐसा है। कैन यू प्लीज़ गिव मी एनी एडवाइस ऑफ मटेरियल सिस्टम टू प्रिवेंट एक्सट्रीमली लाउड आउटसाइड म्यूजिक, आउटसाइड साउंड प्रूफिंग सिस्टम इन रेगुलर रेजिडेंशियल हाउस, द साउंड इज फ्रॉम हैवी मशीनरी, साउंड फ्रॉम पब्लिक। ओके, मैं समझ गया, मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम था, पास में कंस्ट्रक्शन चलता था और बहुत घर पर आवाज़ आती थी। तो यहाँ पर देखिए एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, आप हार्डवेयर की दुकान में चले जाइए, ठीक है, वहाँ पर प्लास्टिक के ऐसे लंबे क्या बोलते हैं आप उसको, फ्रेम टाइप आता है, प्लास्टिक के ऐसे लंबे फ्रेम टाइप, और सिलिकॉन के भी आते हैं आजकल, थोड़े से फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। वो आप दरवाजे के अंदर की साइड से, अगर अंदर की साइड खुलता है दरवाजा, अंदर की साइड पे उसकी पट्टी आप लगा दीजिए, ठीक है, ऊपर की तरफ साइड में और नीचे ऐसा लगाइए कि वो जब बंद हो तो पूरी तरह से सील पैक हो जाए। अब वो सिलिकॉन का होगा या प्लास्टिक का होगा तो बेंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं, उससे क्या होगा आपका ऑलमोस्ट 95% साउंड वहाँ पर अंदर नहीं आएगा। अगर विंडोज़ की बात करें तो वहाँ पर आप हो सके तो सिलिकॉन, एक सिलिकॉन ट्यूब आती है, सिलिकॉन ट्यूब आप लगा सकते हैं और उसको सील कर सकते हैं, ठीक है। सील करने से क्या होगा, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आप सील कर सकते हैं। जब आपको लगे कि इसको अब हटाना है तो हीट गन से आप उसको हीट करके पूरा सिलिकॉन जो है उसको निकाल सकते हैं। बिकॉज मैं हार्डवेयर इंडस्ट्री में था, मतलब मेरी खुद की दुकान थी हार्डवेयर की और मैं बैठता था वहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि हाँ मैं देता हूँ, मज़ा भी आएगा। सर, ब्रांडेड कॉपी क्लोथ को कैसे सेल करूँ ई कॉमर्स में, क्या तरीका है? ब्रांडेड कॉपी भाई, रिक्वेस्ट है कि कॉपी प्रोडक्ट्स अब ना बेचें, क्योंकि ये तरीका में भी आप आज शुरू करोगे पूरी तरह से सेट हो जाओगे, रेडी हो जाएगा, एकदम बिजनेस बढ़िया हो जाएगा, एक साल के बाद फिर अचानक से ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा, पूरी तरह से तहस नहस। तो उससे अच्छा है कि ऐसा रास्ता पकड़ो जो लंबा चले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो कॉपी वाले प्रोडक्ट्स कैसे सेल करूँ वो तो मैं बताऊँगा ही नहीं, ठीक है। कॉपी प्रोडक्ट्स कैसे ना सेल करें उसकी जगह दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कैसे सेल करें उसके टिप्स मैं आपको बहुत सारे दे सकता हूँ, बट कॉपी प्रोडक्ट्स के मैं नहीं दे सकता। सर, आप मुझे बताइए, अमेज़ॉन पर सेलर बनने से ज़्यादा फ़ायदा है या अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर, या अपनी खुद की वेबसाइट पर अली ड्रॉप शिपिंग, इसमें कौन सा तरीका अच्छा है और बेनिफिशियल है? देखिए, तीनों अच्छे हैं, ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है जो फेल है, तीनों अच्छे मॉडल है। बट मैं अगर ईजिएस्ट मेथड बोलूँ, ईजिएस्ट, सबसे ईजी, और आपके पास पैसा है बिजनेस को चलाने के लिए और कोई हेडेक नहीं चाहिए, झमेला ही नहीं चाहिए लाइफ में, तो फिर है अली ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। यस, करने का एक तरीका है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट्स 10,000 डाल दिए और रख दिए और काम होने लगा, उसके पीछे आपको एड्स के पीछे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चा आप जब करेंगे तब आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोगों की हालत जो है यहीं पर टाइट हो जाती है, क्योंकि जब खर्चा करने की बात आती है तब उनके पास होते हैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, तो वहाँ से ये काम नहीं हो सकता। अली ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको कम से कम 2,00,000, 3,00,000 रुपए चाहिए टू इन्वेस्ट, वेबसाइट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एड्स चलाने के लिए। सामने आपको सेल्स भी मिलेगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, बट उतना अमाउंट चाहिए होता है, बड़ा काम करने के लिए थोड़ा पैसा लगता है। वो जाते जाते एक छोटा सा टिप देता हुआ जाऊँगा दोस्तों, आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स को आप
नोट करना शुरू करिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग कंप्लेन्स ही करते रह जाते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हमारी एक आदत बहुत ख़राब होती है कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करते हैं। हो सके तो प्लीज़ ये एक हैबिट बनाइए, सिर्फ आपके वर्क के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए भी, आपके बच्चों को भी सिखाइए कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आपको दिखे उसको नोट करिए और उसके सामने क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं आप या आपके बच्चे या आप खुद या फैमिली मेम्बर्स, वो भी उनको बोलिए कि लिखें। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक सोच भी क्रिएट होती है, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, एक मोटिवेशन भी मिलता है आपको कि हाँ, अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकता हूँ तो उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी सोच सकता हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, डेफिनेटली आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आज ही करके देखिए और आप खुद परेशान हो जाएंगे ये देख के कि आपको खुद को ही कितने सारे सॉल्यूशंस देखने मिलेंगे बाय एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, अगर ये आप सुन रहे हैं, तो अभी से ही जितने प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस के अलग रखिए, पर्सनल के अलग रखिए, सारे अलग रखिए, प्रॉब्लम्स लिखिए, उसके सामने आप सॉल्यूशंस लिखते जाइए। ठीक है, उसमें से आपको पता चलेगा कुछ सॉल्यूशंस तो आपके पॉकेट में ही है, कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर है, कुछ सॉल्यूशंस पैसों से आ जाएंगे, कुछ सॉल्यूशंस बात करने से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, प्लीज़ इंप्लीमेंट दैट। ये एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, सब जगह इंप्लीमेंटेड है, सब जगह काम करेगी। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही करना चाहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।